ओके ग्रेट। अच्छा जी, कल हमने टेक्निक्स ऑफ निगोसिएशन डिस्कस कर ली थी, हाई रिस्क टेक्निक्स एंड लो रिस्क टेक्निक्स। एज वी टॉक्ड अबाउट कि हाई रिस्क टेक्निक्स वो होती हैं जिसके अंदर हमने, आई गेस कल सिर्फ हाई रिस्क पढ़ी थी, लो रिस्क अभी हमने पढ़नी है। हाई रिस्क टेक्निक्स वो हैं जिसके अंदर रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा होता है, और लो रिस्क टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें रिस्क ऑफ फेलियर कम होता है निगोसिएशन प्रोसेस के अंदर। द टेक्निक्स इन विच रिस्क ऑफ फेलियर इज हायर आर नोन एज हाई रिस्क टेक्निक्स, एंड द टेक्निक्स इन विच रिस्क ऑफ फेलियर इज लोअर आर नोन एज लो रिस्क टेक्निक्स। चार हाई रिस्क टेक्निक्स हैं, टेक इट और लीव इट, बाउलवरिज्म, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, नॉट विलिंग टू लीव योर चांस और पोजिशन, अनविलिंगनेस की वजह से देर माइट बी नो डील एंड दे माइट बी लूज आउट, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, स्टॉल करते हैं, लूजिंग द टेम्पर, गुस्से में आ जाते हैं, दैट इज बेसिकली अ वीकनेस एंड दैट कैन लीड टू अगेन फेलियर। द चिकन में थ्रेट करते हैं, स्लैंग है ये बेसिकली, इसमें आप ब्लफ करते हैं और थ्रेट ऑफ एक्शन कॉल करते हैं, बट इफ दैट एक्शन इज नॉट रियलाइज इट मे लीड टूवर्ड्स डिजास्टर। लो रिस्क टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक है इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजिशन। जब आप निगोसिएशन स्टार्ट करते हैं तो आपका शुरू में जो पोजिशन होती है वो बड़ी वीक होती है, एंड दैट इज गिविंग अ काउंटर पार्टी एन इम्प्रेशन कि आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजिशन के अंदर रिस्क ये होता है कि यू माइट बी सीन एज अनएथिकल और अनट्रस्टवर्दी, यानी अगर आप शुरू में ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इतने हिल जाएंगे तो अगला बंदा सोचेगा कि जरूर गड़बड़ है कोई ना कोई, देर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है ना। तो इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजिशन के अंदर देर इज अ रिस्क टू बी सीन एज अनट्रस्टवर्दी और अनएथिकल। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर डिमांड्स अ सर्टन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, और फिर फौरन साथ ही कहते हैं जी आप आए आए आपको रियायत कर देंगे, और वो फिर जब रियायत करने पे आते हैं तो वो 50% डिस्काउंट भी देने को तैयार होते हैं, तो आप थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाएंगे, अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा ऐसी पोजिशन शो करेंगे तो फिर दैट इज गोइंग टू मेक अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है। साइलेंस, द सेकेंड टेक्निक इज साइलेंस, खामोशी। साइलेंस कैन हेल्प यू शिफ्ट द पावर टू द वन बींग साइलेंट, लेकिन साइलेंस से अक्सर आप एंगर भी प्रोवोक कर देते हैं ओपोनेंट के अंदर, उसे फ्रस्ट्रेट भी कर देते हैं। साइलेंस कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन और प्रोवोकिंग एंगर इन द ओपोनेंट पार्टी, तो साइलेंस का नुकसान भी होता है। फ्लैटरी, खुशामद। फ्लैटरी से आप अदर पार्टी को एट ईज तो पुट कर देते हैं, यू पुट द अदर पार्टी एट ईज, लेकिन फ्लैटरी जो है इसको यूज करते हुए यू हैव टू बी केयरफुल कंसिडरिंग डिफरेंट परस्पेक्टिव ड्यू टू एज, जेंडर, कल्चरल फैक्टर्स। जैसे बास कल्चर्स के अंदर फ्लैटरी बड़ी नेगेटिव समझी जाती है, बास कल्चर के अंदर जो फ्लैटरी है वो मुनासिब, मतलब उसका इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो फ्लैटरी जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जेंडर का ख्याल नहीं करते आप और अगर आप फ्लैटरी कर रहे हैं अपोजिट जेंडर की, तो इट कैन बी टेकन एज हरासमेंट, उसको हरासमेंट के तौर पे भी लिया जा सकता है, ठीक है। ओह पुअर मी, अपने आप को मजलूम जाहिर करना, सिंपथी गेन करना, मजलूमियत का इजहार करना, जस्ट यू नो शोइंग योर सेल्फ एज द मोस्ट सिंपथेटिक पर्सन टू गेन द सिंपथी ऑफ द अदर पर्सन। लेकिन ओह पुअर मी का नुकसान ये होता है कि इट कैन ईजिली ब्रिंग आउट एग्रेसिव एंड किलर इंस्टिंक्ट ऑफ द अदर पार्टी। वो कहते हैं ना, मरे हुए को और मार देना, या अगर एक बंदा मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना। तो अगर आप मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट द ओपोनेंट वुड थिंक ओके फाइन, मजबूर तो है ही, इसका और फायदा उठाओ। और यू कैन एड्रेस इजी पॉइंट्स फर्स्ट, ये एक अच्छी टेक्निक है। आप इजी पॉइंट्स को पहले सामने लेके आते हैं, आप इजी पॉइंट्स के ऊपर पहले डिबेट करते हैं, एंड देन यू टेक अप द डिफिकल्ट इश्यूज, द चैलेंजिंग पॉइंट्स, ठीक है। जब आप इजी पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि आपका जो
एक हार्मनी है निगोसिएशन में वो बिल्ड हो जाती है, पीपल पीपल मेंटली अलाइन हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब आप मुश्किल पॉइंट्स उठा के सामने लेके आएंगे सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी ईजी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आप डिफ़िकल्ट पॉइंट से फिर आप ईजीली मैनेज कर लेंगे, उस निगोसिएशन को कंक्लूड कर लेंगे। तो ये पांच टेक्निक्स हैं। नंबर वन, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजिशन वेयर द यू गिव अ काउंटर ऑफर दैट मे शो द ओपोनेंट पोजिशन और एलिवेट द पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। एलिवेट मीन्स उठाना, प्रोजेक्ट करना, एलिवेट का मतलब होता है टू प्रोजेक्ट। तो आप जब किसी को काउंटर ऑफर देते हैं तो उससे वो क्या होता है, उसे लगता है कि अच्छा मेरी बात मानी जा रही है, एलिवेट कर रहे हैं आप काउंटर ऑप्शन को। साइलेंस, खामोशी, खामोशी से आप सुनते हैं तो वालेकुम अस्सलाम, रूहुल अमीन, क्या हाल है। जब आप खामोशी से किसी की बात सुनते हैं सो इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड इट ऑल्सो मेक यू टेक सम पावर। लेकिन साइलेंस बहुत ज़्यादा भी नुकसानदेह होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खामोशी भी है वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। वो हस्बैंड वाइफ बहस कर रहे होते हैं ना, तो द वाइफ सेड के तुम्हारी इस खामोश दहशतगर्दी ने बड़ा घर में तूफान मचा रखा है। तो दहशतगर्दी भी खामोश होती है, देर इज साइलेंट टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म कैन ऑल्सो बी साइलेंट एनी हाउ। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द निगोसिएशन टॉपिक इज रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन निगोसिएशन। थर्ड पार्टी क्या रोल प्ले करती है निगोसिएशन के अंदर। थर्ड, ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया, दिस क्वेश्चन हैज नॉट येट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन सो फार, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन आने के जो चांसेज हैं वो बड़े वसी हैं। तो बी वेरी क्लियर, चार रोल्स होते हैं थर्ड पार्टी के, देर आर फोर रोल्स ऑफ थर्ड पार्टी इन निगोसिएशन प्रोसेस। पहला रोल है मीडिएटर। मीडिएटर एक फॉर्मल रोल है, इट्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो फैसिलिटेट करता है निगोसिएशन के सोल्यूशन को थ्रू रीजनिंग एंड परसुएजन। वजूहात बयान करता है, रीजनिंग देता है, परसुएड करता है, एंड बाय ऑफरिंग सजेशन फॉर परसुइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। मीडिएटर ऑप्शंस देता है, अल्टरनेटिव्स मुहैया करता है, ही गिव्स ऑप्शंस सो दैट अ निगोसिएशन प्रोसेस कैन बी कंक्लूडेड इन अ प्रिसाइज वे। मीडिएटर्स यूज़ कहाँ होते हैं, जनरली लेबर मैनेजमेंट निगोसिएशन में इस्तेमाल होते हैं, सिविल कोर्ट डिस्प्यूट्स में इस्तेमाल होते हैं। मीडिएटर इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ मॉडरेट लेवल। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मॉडरेट लेवल का है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्रिटिकल नहीं है। मीडिएटर इज न्यूट्रल पर्सन, मस्ट नॉट बी कोअर्सिव, ये कोअर्सिव नहीं होना चाहिए, मीडिएटर मस्ट नॉट बी अ कोअर्सिव पर्सन। तो मीडिएटर वो होता है जो कि एक फॉर्मल रोल प्ले करता है। मीडिएटर रीजनिंग और पर्सुएजन के थ्रू और सजेशंस देता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के ऊपर, ही प्रोवाइड सजेशंस। इसके बरक्स होता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो होता है ये एक थर्ड पार्टी है जिसके पास एग्रीमेंट को डिक्टेट करने की अथॉरिटी होती है। आर्बिट्रेटर हैज द पावर टू डिक्टेट एन एग्रीमेंट। मीडिएटर और आर्बिट्रेटर में दो डिफरेंस है। नंबर वन, मीडिएटर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती, आर्बिट्रेटर के पास ये अथॉरिटी होती है। दूसरा इसमें जो की डिफरेंस है वो ये है कि आर्बिट्रेटर जो होता है He is not just working on the settlement, सिर्फ सेटलमेंट नहीं कर रहा होता बल्कि सेटलमेंट से बढ़ के कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज हैं जिसमें एक पार्टी जो है वो इंजर्ड पार्टी है, उसका नुकसान ज्यादा हुआ है, और दूसरी पार्टी जो है वो उसका फायदा उठा रही है। तो जो आर्बिट्रेटर होगा वो फिर इंजर्ड पार्टी के हक में फैसला देगा। इज नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा बल्कि वो इंजर्ड पार्टी के जो है उसके हक में फैसला दे रहा है। वो कह रहे इट इज मोर लाइकली देन नॉट टू लीड टू अ सेटलमेंट, more likely than not to lead to a settlement. कि सिर्फ settlement नहीं कर रहा होता बल्कि ये settlement से बढ़ के कुछ कर रहा होता है। Arbitrator can be voluntary, voluntary होता है, यानी दोनों parties request करके arbitrator को involve कर सकती हैं, और forced by law. जैसे for example property disputes के अंदर जो arbitrator है वो by law आप enforce करते हैं, कोई property consultant या कोई state agent जो है वो by law आप उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी की कोई डील करते हैं। तो आर्बिट्रेटर जो है ये डिक्टेट करता है एग्रीमेंट को। इसके बरक्स कंसीलिएटर जो होता है ये एक इनफॉर्मल रोल है। कंसीलिएटर एक इनफॉर्मल रोल है, अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मुहैया करती है बिटवीन अपोजिंग पार्टीज। कंसीलिएटर इज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी दैट प्रोवाइड्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन अपोजिंग पार्टीज। कंसीलिएटर का रोल क्या होता है, ये बेसिकली ब्रिज करता है दोनों पार्टीज को बाय इंटरप्रेटिंग मैसेजेस एंड बाय परसुएडिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रीच एग्रीमेंट। कंसीलिएटर में
और मीडिएटर में फर्क होता है। कंसीलिएटर इनफॉर्मल होता है, मीडिएटर फॉर्मल होता है। पहला डिफरेंस, मीडिएटर सजेशंस प्रोवाइड करता है फॉर परसुइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस देता है, मसले का सलूशन भी बताता है, जबकि कंसीलिएटर गिव नो सजेशंस, ही ओनली कन्विंसेस डिफरेंट पार्टीज टू रीच टू एन एग्रीमेंट। एक दूसरे के मैसेजेस को कन्विंस करता है, परसुएड करता है एक दूसरे को, एंड दैट्स इट। तो कंसीलिएटर जो होता है ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंसीलिएटर इनफॉर्मल रोल होता है इसका। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलती है डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में, घरों में जब दो फैमिलीज लड़ती हैं आपस में, तो किसी बड़े बुजुर्ग को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, और फिर वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो फिर दोनों पार्टीज की बातें सुनते हैं, फिर उनके दरमियान ब्रिजिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उन्हें परसुएड करते हैं कि वो खुद एग्रीमेंट को डेवलप करें। तो दैट इज अन इनफॉर्मल रोल। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिंक होता है बिटवीन अपोजिंग पार्टीज, इसे कहते हैं कंसीलिएटर। एंड देन द लास्ट रोल इज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट एक एक्सपर्ट स्किल्ड इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होती है जो अपने एनालिसिस से, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, वो इंट्रीकेसीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को पार्टीज को समझा के, इंट्रीकेसी कहते हैं बारीकियों को। हाँ, बड़े अगर ऑर्डर दे दें तो फिर वो आर्बिट्रेटर बन जाएंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ दे आर रिक्वेस्टेड बाय द थर्ड पार्टी एंड नाउ दे हैव अथॉरिटी टू डिक्टेट एन एग्रीमेंट, देन दे विल बिकम आर्बिट्रेटर। बिल्कुल ट्रू दैट, ठीक है, सही कहा आपने। कंसल्टेंट क्या करता है, इंट्रीकेसी कहते हैं बारीकियों को। इंट्रीकेसी का मतलब होता है मामले की जो बारीकियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट है और फैमिली डिस्प्यूट के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो एक लॉयर के पास गए हैं टू डिस्कस द सेपरेशन, तो वो जो लॉयर है वो उन्हें इंट्रीकेसीज बताएगा, वो उनको मामले की बारीकियां बताएगा, ठीक है, और वो बताएगा कि किसका नुकसान है, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंसल्टेंट जो है वो चूंकि स्किल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है किसी एक डोमेन के अंदर, तो आप उसी डोमेन के हवाले से फिर कंसल्टेंट के पास जाते हैं। कंसल्टेंट क्या करता है, स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं देता आपको, रादर देन ही जस्ट गिव नॉलेज टू द पार्टीज एंड ही अलाउ द पार्टीज टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क आउट टूगेदर। वो बजाय ऑप्शन देने के वो पार्टीज को अलाउ करता है कि वो आपस में खुद ही मसले का हल तलाश कर लें, वो आपस में खुद ही मसले को ढूंढ को जो है वो रिजॉल्व कर लें, और वो अपने मसले को खुद ही रिजॉल्व करते हुए वो फिर क्या करते हैं, वो अपने किसी सोल्यूशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कंसल्टेंट का जो किरदार है वो बड़ा महदूद होता है, मतलब एग्जैक्टली इस किस्म की बातें, इस किस्म की बातें, बिल्कुल, कि वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मैं खैर एग्जांपल दी है फैमिली लॉयर की, और एग्जांपल भी होती है कंसल्टेंट की, देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कंसल्टेंट्स एज वेल। कंसल्टेंट कहते हैं किसी भी डोमेन के एक्सपर्ट को, अ पर्सन हु हैज एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन डोमेन, उसे हम कंसल्टेंट का नाम देते हैं, ही इज नोन एज कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट जो होता है उसका काम ये होता है कि उसने मामले की जो इंट्रीकेसीज हैं उनको हाईलाइट करना होता है और उनको उसने मैनेज करना होता है, ठीक, तो ही इज नोन एज अ कंसल्टेंट। तो ये चार रोल्स हैं, पेपर में अभी तक एक रोल भी नहीं आया इनमें से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मीडिएटर न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, कंसल्टेंट देखिए इन इन चारों रोल्स में से कोई भी रोल ऐसा मोटिवेटर का नहीं होता, कोई भी रोल ऐसा जिसमें से मोटिवेटर का नहीं होता बेटा। मोटिवेशन एक अलग फिनोमेना है। अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कैसी मोटिवेशन, वो अगर आप मोटिवेशन देंगे भी तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की देंगे ना, कि लोग मिलकर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें टास्क इज नॉट अ कंसर्न। मोटिवेशन आती है टास्क को अचीव करने की तरफ, तो बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्टन टास्क, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ सर्टन कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके अंदर जो है मोटिवेशन वो एज सच इज नॉट अ कंसर्न, ठीक है। तो पांच सवाल पढ़े हमने निगोसिएशन के अंदर, वी हैव डिस्कस्ड फाइव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ निगोसिएशन एंड प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, तीसरा क्वेश्चन है स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव निगोशिएटर, चौथा क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ निगोसिएशन हाई रिस्क एंड लो रिस्क, और पांचवा क्वेश्चन है रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन निगोसिएशन। पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी काफी सारे इस चैप्टर में से आ चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली टेस्टेड चैप्टर इन एग्जामिनेशन। यहाँ से देखें, दिस इज द एरिया
जिसमें 10th चैप्टर टेस्ट हुआ है, ये देखें आप, दिस इज हाउ, कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सवाल आ चुके हैं अभी तक पास अपने टोटल। अभी रिसेंटली सितंबर में हाई रिस्क और लो रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जामिनर ने, आई गेस एनी टू हाई रिस्क टेक्निक्स पूछी थी सितंबर 18 में, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हाई रिस्क एंड लो रिस्क टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन सितंबर की अटेम्प्ट में, ये एनी टू हाई रिस्क, कोई सी दो हाई रिस्क टेक्निक्स आपने एक्सप्लेन करनी थी। डेफिनेटली यू शुड आपके अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से एक हेल्दी पोर्शन आएगा, 8-10 नंबर आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया था सितंबर में, ओनली 4 मार्क्स। मार्च में 2 सवाल आए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी था, मार्च की अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए क्या था, किन सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 4 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। और पार्ट बी सिचुएशन दी जा रही है, और सिचुएशन देके कहा जा रहा है स्टेप्स बताएं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, स्टेजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, 8 मार्क्स, 5 स्टेजेस, सेट द सीन, गैदर इंफॉर्मेशन, एग्री ऑन द प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, नेगोशिएट द फाइनल सॉल्यूशन। इसी सिचुएशन क्या है कि एक टेक्सटाइल मिल है जिसका एचआर डायरेक्टर और प्रोडक्शन हेड जो है ये कॉन्फ्लिक्ट में है, एचआर डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया ओवर टाइम पेमेंट रिलीज करने से, और प्रोडक्शन हेड जो है वो कहता है कि मैंने कब से एचआर को कहा हुआ है कि मुझे एक्स्ट्रा हायरिंग करके दे, वो बंदे नहीं हायर कर रहे मेरे लिए। तो अब आप सीईओ हैं, और बीइंग अ सीईओ हाउ वुड यू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो 8+4 12 मार्क्स पेपर में आए थे फ्रॉम 10 चैप्टर मार्च में। सितंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, नो क्वेश्चन एट ऑल सितंबर 2017 में। मार्च में भी 2 सवाल आए थे, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन नंबर ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेसफुल बनाता है, 7 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। वो जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ना कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू बी सक्सेसफुल, और क्वेश्चन नंबर 9 था निगोसिएशन के प्रोसेस के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 था प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन, हियर वेरियस स्टेजेस ऑफ निगोसिएशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस था जी, पहली स्टेज कौन सी थी, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, देन सेटिंग ग्राउंड रूल्स, देन क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लोजर एंड एग्रीमेंट, ठीक है। ये 5 स्टेजेस थे, 8 मार्क्स। तो 15 नंबर आए थे मार्च 17 में 10 चैप्टर में से। 2016 के सितंबर में एक क्वेश्चन आया था हाई रिस्क एंड लो रिस्क टेक्निक्स के ऊपर, ओनली 1 क्वेश्चन। 2016 के सितंबर में ये नाम दिए गए थे टेक्निक्स के और एक्सप्लेन करने को कहा गया था, 6 मार्क्स, द चिकन, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजिशन, ओ पुअर मी, सिर्फ एक्सप्लेन करना था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, दैट वॉज द ओनली क्वेश्चन। मार्च 2016 में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, एक तो वो स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन था जिसमें 2 स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में से थी, फिर 5 का पार्ट बी, फिर 9 का पार्ट ए। मार्च 2016 में क्वेश्चन नंबर 2 था, ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट्स दी गई और इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। ओके, ये सेकंड स्टेटमेंट देखें, सीनियर पार्टनर इन अ फर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैव स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस एंड डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग पॉइंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पिटीशन रिलेटेड टू अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, हाउएवर द ओपिनियंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर बीइंग कंसीडर्ड केयरफुली प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल ब्रीफ। नाउ दैट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो आपको गोल की तरफ इनकरेज करे। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, आर्बिट्रेटर मेड एफर्ट टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेक होल्डर बाय रीडिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, डेवलपिंग इनसाइट इनटू देयर वेल एंट्रेंच्ड पोजीशन एंड स्पीकिंग आउट ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये है एक्टिव लिसनिंग। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से टर्म्स आई हैं, एक्टिव लिसनिंग और कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, एक ही सवाल था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था, थॉमस एंड किलमैन का मॉडल, तीनों स्टाइल्स दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेन करना है, कोलैबोरेटिव, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड अवॉइडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था और 9 का पार्ट ए था टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन के ऊपर। वहीद खान इज अ नेगोशिएटर हु बिलीव्स इन अडॉप्टिंग अ टफ स्टांस
while conducting negotiation with opposite parties. So ये high risk है कि low risk है? Is this high risk or low risk technique? वो कहते हैं वही खान एक tough chance रखता है, तो ये high risk में जाएगा कि low risk में जाएगा? Will it be high risk or low risk? High risk, exactly. But they briefly discuss any three techniques that Waheed Khan may adopt and state inherent risk involved in adopting tough stance. 5 marks. Teen techniques ko pehle aapne discuss karna hai, fir aapne uske risk batane hai. Take it or leave it ka risk kya hota hai? Both parties may lose out. Waiting until the final moment ka risk kya hota hai? Ultimately it can lead to the verge of take it or leave it. Losing the temper ka risk kya hota hai? The opponent party might harden their position. Chicken ka risk kya hota hai? You might be sound untrustworthy or you might lose your credibility. ठीक है, so ये पांच marks में आपने explain करना था. तो इसमें भी देखें 2 marks के ये थे, फिर ये थॉमस एंड किलमैन 6, 8 marks हो गए और 5, 13 marks आए थे पेपर में. उससे पीछे मूव करें तो सितंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी था, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का डिफरेंस. सितंबर 2015 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी था और ये डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इन द कंडक्ट ऑफ निगोसिएशन, 3 का पार्ट बी था. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी था, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. 7 का पार्ट बी था, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ कॉन्फ्लिक्ट प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है, 1 दफा 7 नंबर का आया था, अभी इसमें 5 नंबर का आया था. यहाँ 7 marks का क्वेश्चन था और यहाँ 5 marks का क्वेश्चन था. इसी तरह मार्च 2015 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, उसका पहला पार्ट था, स्किल्स पूछे गए थे इफेक्टिव निगोशिएटर के, आई गेस 6 नंबर का पार्ट था. और निगोशिएशन प्रोसेस पूछा गया था 8 marks का, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दोनों पार्ट पूछे गए थे. सितंबर 2014 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए बी और सी 10th chapter में से आया था. सितंबर 2014 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, 4 का पार्ट ए क्या था, स्किल्ड निगोशिएटर क्या मेजर्स लेता है डेडलॉक को अवॉइड करने की. तो 4 का जो पार्ट ए था वो डेडलॉक को अवॉइड करने में से था. पार्ट बी था 4 reasons which conflict are common phenomena in organizational setting. पार्ट बी था, ये सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बयान करने थे, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल. और पार्ट सी था द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, 5 marks का, किन सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियल होता है. तो 13 marks का क्वेश्चन आया था पहली अटेम्प्ट में सितंबर 2014 में, डेडलॉक में से, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में से और कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स में से. तो आप देख सकते हैं कि कितना वाइडली टेस्टेड चैप्टर है अभी तक का, 10th chapter, टेस्टेड सो फ्रीक्वेंटली, सो मच फ्रीक्वेंटली सो फार इन द एग्जामिनेशन. बहुत वाइडली टेस्ट किया गया है ये चैप्टर अभी तक. इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनेशन में आपको भी अटेम्प्ट, आपके अटेम्प्ट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. 9th chapter आप देखें लीस्ट टेस्टेड है, ये देखिए कितना एरिया खाली है 9th chapter का. दिस इज 9th chapter, बल्कि इसको ना मैं एक दफा कलर कोड भी कर दूंगा चैप्टर्स को. आई विल कलर कोड द चैप्टर्स एज वेल. तो आपका जो 9th chapter है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस कैसी है. 8th chapter भी काफ़ी टेस्ट हो चुका है, 7th chapter बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका है फ्रीक्वेंटली. 7th chapter का एक एरिया कम टेस्टेड है, दिस एरिया इज़ वेरी लेस टेस्टेड, ये रिवॉर्ड सिस्टम एंड मोटिवेशन वाला जो था, गोल सेटिंग थ्योरी वाला भी पार्ट टेस्ट नहीं हुआ. 5th chapter, 4th chapter, 6th chapter भी काफ़ी टेस्टेड हैं. दिस डॉक्यूमेंट इज गिविंग यू अ वेरी क्लियर पिक्चर of the key tested topics so far in the examination. तो यहाँ पे हम अपना 10th chapter conclude करते हैं. broadly speaking हम अपना, जी कल तक नहीं तो संडे तक अवेलेबल हो जाएगी, संडे तक हो जाएगी. यहाँ पे हम अपना 10th chapter conclude करते हैं. broadly हम अपना कोर्स भी आज अल्हम्दुलिल्लाह complete कर लेते हैं. as promised 25 तारीख का वादा किया था आपसे, आज 25th है और आज हमने अपना कोर्स complete कर लिया है. अब हमने revisions करनी है. Revisions are very important. Revisions will help you a lot.
जी LMS भी अपलोड हो जाएगा, फेसबुक के ग्रुप पे भी आ जाएगा, आपको मैं ईमेल भी करवा दूंगा जी, LMS पे भी अपलोड हो जाएगा, आप डेफिनेटली होगा अपलोड। चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चांसेस बढ़ेंगे सक्सेस के, जितनी आप कम रिवीजन करेंगे उतने आपके चांस ऑफ सक्सेस जो है वो आपके मिनिमल हो जाएंगे। रिवीजन हम इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, हम एक पार्ट एक दिन में रिवाइज करेंगे, मतलब फर्स्ट टू चैप्टर, देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, देन सिक्स्थ एंड सेवन्थ चैप्टर। तो हम पर लेक्चर हम डिफरेंट पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो आई वुड स्ट्रांगली एंडोर्स एंड रिकमेंड कि आप रिवीजन्स पे ज़रा प्रिसाइजली फोकस कीजिएगा, कि रिवीजन्स जो हैं दे विल बी ऑफ प्राइम सोर्स ऑफ लर्निंग, रिवीजन्स जो हैं ये आपके लिए प्राइम सोर्स बनेंगे लर्निंग का। और अगर आप एडिक्वेट रिवीजन्स करेंगे, अभी से आप बेशक अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें, फरवरी का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फरवरी के महीने के अंदर आपके लिए अपनी तैयारी को इफेक्टिव बनाना और एडिक्वेट टॉपिक्स की रिवीजन्स को इंश्योर करना, दैट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। तो जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कॉन्टेंट्स टू बी रिवाइज, द मोर यू विल रिवाइज द बेटर चांसेज यू स्टैंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रैक्टिस। ठीक, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, और इसमें रिवीजन्स के साथ साथ, हाँ, फिर मार्च में शहसवार माशाल्लाह मैदान में उतरेंगे, और जब शहसवार मैदान में उतरेंगे तो डेफिनेटली दे विल मेक द हिस्ट्री रीरिटन। ठीक है, दे विल रीराइट द हिस्ट्री इंशाल्लाह। तो बस यही है कि सब्जेक्ट कंटेंट से अब ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब आपकी रिवीजन्स हैं। कंटेंट तो हमने मोर और लेस डिस्कस कर ही लिया है, नाउ योर रिवीजन्स आर द प्राइम इम्पोर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा आपकी रिवीजन्स होंगी उतना इसके अंदर आपका इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी आपकी पढ़ाई की तरफ। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल? हाँ, पार्ट वाइज टेस्ट आर हेल्पफुल, पार्ट सी और पार्ट डी का भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा, आखिरी दो पार्ट्स के रह गए हैं, तो पार्ट सी और पार्ट डी भी इंशाल्लाह हो जाएगा। आपके वैसे किसी और सब्जेक्ट में आपकी इस तरह की उतना हुई है रिवीजन पार्ट वाइज टेस्ट की? वैसे मैंने कोशिश की है कि BMBS के टेस्ट थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव हों, एंड आई हैव मेड श्योर कि ज़्यादा टेस्ट हों, तो आई होप कि टेस्ट सिस्टम ने आपको हेल्प किया होगा। TA को भी काफ़ी ट्रेन किया गया था इस हवाले से, और नुमान हैज़ ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। तो डेफिनेटली टेस्ट सिस्टम अगर इफेक्टिव हो तो रिवीजन बेहतर हो जाती है, तैयारी अच्छी हो जाती है। तो आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के जितना टेस्ट सिस्टम सॉलिड होगा उतनी आपकी जो तैयारी है वो आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। सो आई एम ग्लैड इफ इट हैज़ हेल्प यू, इसने अगर आपको फ़ायदा पहुंचाया है तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। पार्ट सी और पार्ट जो ई है डी है, पार्ट सी और पार्ट डी, इसका इंशाल्लाह मैं टेस्ट इकट्ठा अवेलेबल कराऊंगा आपको। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि ये टेस्ट अवेलेबल हो जाए आपको एक ही वक्त में, मैक्सिमम मंडे तक हो जाएगा इंशाल्लाह। आई विल मेक श्योर कि मंडे तक हो जाए, मंडे तक इंशाल्लाह हो जाएगा। एनी कंसर्न, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन अभी तक? चलें, तो कल हम फिर ब्रेक लेंगे, टुमारो विल हैव अ ब्रेक, टुमारो वी वोंट हैव अ क्लास, और हम इंशाल्लाह फिर मंडे से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन हैं हमारे पास,
और 5 दिन में हम इंशाल्लाह 5वें पार्ट को रिवाइज करेंगे। हमारा कोर्स जो कवरेज डेडलाइन है वो फ्राइडे होगी इंशाल्लाह 1st ऑफ फेब। तो मंडे से फ्राइडे अगले हफ्ते के 5 दिन हम लोग रिवीजन्स करेंगे, ठीक है। चलें, सो लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे, सी यू ऑन मंडे। ओके, थैंक यू, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।